सोमवार को बिश्नोई मंदिर हड़ताला में श्री गुरु राजेंद्र नंद महाराज भीमघोड़ा हरिद्वार के श्री मुख से कथा के आयोजन के लिए गुरुजी का आगमन हुआ और हड़ताला बिश्नोई समाज के लोगों ने गुरुजी को माला अर्पण करके उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सभी हड़ताला बिश्नोई समाज के लोगों ने गुरु राजेंद्र नंद महाराज तथा अन्य महात्मा गढ़ के साथ पद संचलन करके हर तरफ सब्जी मंडी से बिश्नोई मंदिर तक एक पद यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत श्री गुरु राजेंद्रनंद महाराज के श्री मुख से कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हड़ताला बिश्नोई समाज तथा बाहर से आए हुए बिश्नोई समाज के धर्मानुभामियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कथा का रसपान किया। कथा में अध्यक्ष विवेक बिश्नोई, प्रवेंद्र बिश्नोई, ललित बिश्नोई, नवनीत बिश्नोई, राजीव बिश्नोई, सौरभ, विशाल, माँ आशाराम, प्रदीप बिश्नोई, राम अवतार बिश्नोई, ब्रह्मजीत बिश्नोई, सुमित बिश्नोई आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। जानना चाहेंगे आशाराम सिंह बिश्नोई। अच्छा, क्या कार्यक्रम रहा आज? आज इस हड़ताला विश्व मंदिर एवं धर्मशाला में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की कथा, जिसको जम्ब कथा के नाम से भी कहा जाता है, वो कथा आज 13 दिसंबर को प्रारंभ होकर के और 17 दिसंबर तक अविरल चलती रहेगी, जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक है। और ये कथा श्री गुरु महाराज राजेंद्र जी के मुखारविंद से हो रही है, जो हरिद्वार भीमघोड़ा बिश्नोई मंदिर एवं धर्मशाला के महंत हैं और हमारे बिश्नोई समाज के बहुत ही अग्रणी और संत समाज में भी सबसे संत श्रोमणी हैं। हम सब बिश्नोई बंधु उनका उनके इस कार्य से बहुत ही कृतार्थ हैं, आभारी हैं। ये बिश्नोई समाज उन्हीं के मार्गदर्शन से बहुत उन्नति कर रहा है। हम सब उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। हमारा ये बिश्नोई समाज पर्यावरण के लिए मुख्यतः जाना जाता है। हमारे बिश्नोई समाज के लोगों ने विश्व वृक्ष बचाओ के आंदोलन हेतु राजस्थान में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिसमें 363 बिश्नोई बंधु बलिदान हो गए, जिनमें बहन माता अमृता देवी जो अपनी 2 पुत्रियों के साथ इस वृक्ष बचाओ आंदोलन में अपने सर कटा करके अपने सर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारा बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा, जीव रक्षा के लिए बहुत अग्रणी माना जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरु महाराज श्री राजेंद्र जी भी हम सब लोगों को, सारे समाज को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते रहते हैं। कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को भी बहुत दूर करते हैं, जैसे मद्य निषेध है और बहुत चोरी, निंदा, इन सब से दूर रहने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज के प्रवचनों से, कथा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन को बहुत ही उज्ज्वल बनाते हैं। ये हमारे गर्व का भी, हमारे लिए गर्व का विषय है कि गुरु महाराज की ये चरण कमल इस पावन भूमि हड़ताला में अवतरित हुई है और इस से हम सब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। आज ये दिन बहुत खुशी का दिन है, जब गुरु जी के मुखारविंद से ये कथा प्रारंभ हुई है और ये कथा लगातार